والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا تسليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، خطباء اعظام اور آج کے مہمان عالم دین حضرت علامہ سید شاہ خوشتر ربانی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہم العالیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے. ویلور کی اس بابرکت اور مقدس زمین پر آج اس ناچیز کو یہ دوسرا خطاب کرنے کا شرف نصیب ہو رہا ہے. آج سے تقریباً 4 یا 5 سال قبل مدرسہ لطیفیہ میں بھی اس کے سالانہ جلسے میں مجھے خطاب کرنے کا شرف نصیب ہوا تھا، اور پھر آج محترم المقام مجاہد اہل سنت، خادم اہل سنت محترم عبد المالک ربانی صاحب کی دعوت پر
और इस जलसे के मुनक़िद करने वाले आशिकाने औलिया मुहिब्बाने औलिया की दावत पर मुझे फिर से दोबारा आपके इस दयारे मोहब्बत में हाजिर होने की तौफीक और सआदत नसीब हुई है। सुभानअल्लाह। गुलामाने गौसो ख्वाजा कमेटी के तमाम अफराद का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज की इस बाबरकत और रूह परवर मजलिस से खिताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह एहसान अज़ीम है, उसके हबीब के नालायक का सदका है, सरकार गौसे पाक की नवाजिश व इनायत है कि आप हजरात के दयारे मोहब्बत में हाजिर होने की तौफीक और सआदत नसीब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने बेमिसल व मिसाल अजीम खिताब हज़रत अल्लामा सैयद शाह खुशतर रब्बानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया से समाअत किया और आपने अपने खिताब के ज़रिए से लाखों हज़ारों सैकड़ों दिलों को नूर व मुनव्वर से रोशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत क़िबला दौरान खिताब मुझ नाचीज़ की, हालांकि हज़रत से ये मेरी पहली मुलाकात है, मैं बचपन से हज़रत का नाम सुनता हूँ, जब हम पढ़ते थे मैं तब से हज़रत क़िबला का नाम सुनता हूँ, लेकिन आज पहली बार मुलाकात का मौका मिला है और हज़रत क़िबला ने दौरान खिताब मुझ जैसे नाचीज़ की तारीफ़ की, मदहा सराई की, मेरी हिम्मत अफजाई की, तो मैं समझता हूँ कि ये काम सबके बस की बात नहीं है, किसी की तारीफ करना भी ये उन्हीं लोगों को नसीब होता है जिनके खून में असलियत होती है। ये सादात इकराम की निशानियाँ हैं। सादात इकराम जो है हसद और जलन की गंदी सिफात से पाक होते हैं। अगर ये सिफात उनमें पाई भी जाती है तो ये जिस्म की कसाफत होती है, वरना खून तो इन चीज़ों से महफूज रहता है। ये सादात इकराम की निशानियाँ, और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हमेशा सादात इकराम के साथ ही उनके कंधों से कंधा लगाकर दीन की खिदमत करने का तौफीक अता फरमाई है। और मैं देखता हूँ कि कई लोग बुला भी लेते हैं बयानों में, छोटा सा हज़रत क़िबला है तो उस हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, हिम्मत मिली है तो लोग बुला लेते हैं, कई को बुलाते हैं, बोले तो पब्लिक बोलती है अहमद नक्शबंदी साहब कुछ बुलाओ, तो उन्हें मजबूरन बुला लेता, मगर स्टेज पे आए बाद जब निजामत करते वक्त उसको माइक मिला तो मुर्दा निकलते रहता उसका। ये लफ्ज बोला तो अजमत बढ़ जाती, वो लफ्ज बोला तो अजमत बढ़ जाती, इसको कैसा घटाऊं उसको कैसा घटाऊं, अलखाबात नहीं बोलता। बास जने तो बुलाए उन्हें, फोन करके बुलाया उन्हें, 12,000 का टिकट लगा के बुलाया उन्हें, घर में ईशा के बाद खाना खिलाया उन्हें, मगर स्टेज पे लाए तो मौलाना भी नहीं बोल रहा, जनाब नक्शबंदी साहब से ख्वाहिश है खिताब करो बोल रहा। तो आप अंदाजा लगाइए, आप मैं बोला बुरी बाप रे बाप, तारीफ करना भी सबके बस की बात नहीं है, तारीफ करने के लिए भी बड़े बाप को पैदा होना पड़ता है, किसी को कबूल करना भी बहुत बड़ी बात है, बच्चों का खेल नहीं है ये भी बहुत बड़ी बात है। और इंसान जो है नमाज पढ़ने से नहीं माना जाता, नमाज तो बाजू वाला भी पढ़ ले रहा, बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने से आदमी नहीं पहचाना जाता, रोजे रखने से नहीं पहचाना जाता, ये तेरे रब का ताल्लुक है। बंदा कब पहचाना जाता, जब उसके मामले बंदों के साथ अच्छे हो। नई बात समझ में आ गई, कपड़े पहनना कमाल नहीं है, दिल पाक रखना कमाल है, और ये पाक दिल सबको नहीं मिलता, जो पाक नबी से ताल्लुक रखता है उसको नसीब होता है। ये पाक दिल सबको नहीं मिलता, जो गौसे पाक का हो जाता है उन्हें पाक हो जाता है।
अब आप आशिक लोग हैं तो आपके इश्क को और थोड़ा इजाफा कर देता हूं, ये पाक दिल लेने के लिए हसनैन पाक की औलाद में पैदा होना पड़ता है। ये पाक दिल लेने के लिए फातिमतुज जहरा के चमन का फूल बनना पड़ता, तब जाके ये पाकियान मिलती। बात समझ में आई? किसी को कबूल करना भी बहुत बड़ी बात है। बच्चों का खेल नहीं है ये भी, नहीं यही बात समझ में आ गई? पूरा समझ गए आप? तो चलते हैं फिर तकरीर की तरफ। सुभान अल्लाह। हजरत के फर्जंद भी आए थे मेरी दावत पर हैदराबाद में, उन्होंने भी बेचारे जब तकरीर करने बैठे थे तो आधा घंटा या एक घंटा हजरत का खिताब था, वो बेचारे जो है नहीं 70% खिताब करे, 30% मेरी तारीफ करे। लोगों को शक पैदा होगा था, सिखा के लाया क्या? तो भी तो ये सिखाने के वाले बात नहीं होते, ये पाक दिल की अलामत है। ये बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, ये बड़े लोगों की बात है। ये लोग क्या होते हैं? मुखलिस लोग होते हैं, ये मुखलिस होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, शैतान जब अल्लाह के दरबार से निकल रहा था तो बोला, मौला तेरे बंदों को बहका के छोड़ देता हूं। बोला अल्लाह, बोले जा रहे बहका ले चल। अल्लाह बोले चल, बहका ले जा, बोले परेशान होगा। भयका तो कहीं को बोला नहीं, ऐसा बोले तो अल्लाह बुला लेता क्या है कि समझा? नहीं देखो, चौरस्ते पे दो आदमियां लड़ लिए वेलूर के, तो एक आदमी कल तेरे बच्चों को देख ले तो रे, बोले तो डर जाता आई ले, अब मेरा गुस्सा मेरे बच्चों पे निकालता क्या है कि? तो शैतान भी ऐसी बोला, अल्लाह तेरे बंदों को भयकाता हूं। बोला तो अल्लाह ताला क्या करे, अरे रे जान दे इधरा, तू इधरा मेरे बंदों का दोजख की तरह ले जाता। बोल के अल्लाह बुलाए नहीं, बोले बहका ले, बोले कितना बहका था, बहका ले, बोले परेशान होगा। बोले मौला, तू जो बंदों को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता, तू जो बंदों के लिए जन्नत बना के रखा, एक बंदे के खातिर मेरे को मर्दूत करके निकाल दे रहा, वैसे अरबों खरबों करोड़ों बंदों को दोजख के करीब लाता हूं, बोला तो इजाजत दे रहा? अल्लाह ताला फरमा, इजाजत है तेरे को, निकल। बोले बोले मौला कई को? तो बोले अरे दीवाने, हम तेरे को कुव्वत दिए, तू उसका गलत इस्तेमाल करके हमारे बंदों को गुनेगार बनाता, सियाकार बनाता, खताकार बनाता, दोजखी बनाता, तो फिर क्या हम अच्छे बंदों को पैदा नहीं कर सकते? अरे अरे क्या हम तो बोले ए अल्लाह, तो क्या तू अच्छे बंदों को पैदा करेगा? बोले बेशक, तुझे अगर कुव्वत दी है तू गलत इस्तेमाल करेगा तो फिर और कुव्वत वाले बंदे पैदा करेंगे। बोले ए अल्लाह, उनकी निशानी क्या होगी? तो खुदा की कसम, रब ने क्या फरमाया? कहा कि उनकी निशानी यह होगी कि वो इखलास वाले होंगे, वो पाक दिल वाले होंगे, वो बड़े दिल वाले होंगे। उनके दिल, उनके जिस्म पे अगर कसाफत हो सकती है, मगर उनके दिल नूरे मुस्तफा से मुनव्वर किए हुए। और जैसे ही मुखलिस बंदों की तारीफ सुना, बावला हो गया, परेशान हो गया और होकर कहने लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो अल्फाज को कुरान में दर्ज किया, क्या कहा? قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا मगर उनको नहीं बहका सकता जिनको तूने इखलास वाला बना के पैदा किया। अब आओ, इखलास वाले कौन है? जवाब मिला। अल्लाह कहता है, मेरे बंदो, एक मुखलिस बगदाद में रहता है जिसका नाम गौसे आजम है, एक मुखलिस अजमेर में रहता है उसका नाम गरीब नवाज है, एक मुखलिस दिल्ली में रहता है उसका नाम निजामुद्दीन औलिया है, एक मुखलिस गुलबर्गा में रहता है उसका नाम बन्ना नवाज है, एक मुखलिस आपके इलाके में रहता है उसका नाम खुतबे आलम है। Oh,
अल्लाह के मुखलिस बंदों की शान ही ये होती है, वो किसी से भी कीना कपट नहीं। मैंने उन लोगों का दिल बहुत बड़ा आ रहा था, इसीलिए उनको सैयद बोलते। क्या बोलते जरा बोलो, जोर से बोलो। जिंदगी में किससे पंगा लेना है ले लो, सैयद से नहीं लेना। मोदी से पंगा लो तो चलेगा, सैयद से पंगा नहीं लेना। क्योंकि मोदी से पंगा लिए तो मोदी के ऊपर खाली सदरे जमहूरिया है, तीसरा हाइच नहीं। मगर सैयद के ऊपर, सैयद का बाबा है, बाबा का और एक बाबा है, फिर उनका एक बाबा है, सारे सैयदों का बाप गौसुल बाबा है, गौसुल बाबा का बाबा मौला हुसैन है, हुसैन का बाबा अली है, अली का आका मुस्तफा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अलगर्स ये अभी तो खाली आपको मैं मूड में ला रहा हूं, तकरीर शुरू नहीं हुई है। टेंशन न कोला, आप बोलेंगे उनवान अलग है, मौलाना जा रहे हैं अलग, ऐसा नहीं। अभी तो आपको माहौल बना रहा हूं खाली, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल किसी के लिए अच्छा ख्याल करना अच्छे होने की अलामत है। नहीं, हुजूर के सामने सहाबा इकराम की मजलिस सजी हुई है, मजीद सजी हुई है। एक बदबख्त क्या किया, नौजबिल्ला 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 मेरे आखा की शान में गुस्ताखी करने लगा मजलिस में बैठ के, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बारे में बुराई बयान करने लगा। जैसे ही वो बुराई बयान करा, एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, अजमत रसूल बयान करने लगे, तारीफ मुस्तफ़ा बयान करने लगे, शान मुस्तफ़ा बयान करने लगे, रिफ़त मुस्तफ़ा बयान करने लगे। हुजूर जब उसको देखे बुराई बयान कर रहा था तो भी हुजूर मुस्कुरा रहे थे, इसको देखे सहाबी रसूल को देखे इन्हों हुजूर की अजमत बयान करते भी हुजूर मुस्कुरा रहे। अब दोनों की जो बैतबाजी चल रही थी, ये बुराई बयान कर रहा है, ये अजमत बयान कर रहे हैं, हुजूर को सब देख रहे हैं, हुजूर क्या करेंगे अब, अल्लाह अकबर, हुजूर मुस्कुरा रहे। बहरहाल बुराई करने वाला शर्मसार होकर चले गया, तारीफ करने वाला अजमत का हकदार होके मजलिस रसूल में बैठ गया। मजलिस खत्म हुई, बाद सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, या रसूलल्लाह हम देखे बुराई करने वाला बुराई कर रहा भी तो आप मुस्कुरा रहे थे, अच्छाई करने वाला अच्छाई बयान करा भी तो आप मुस्कुरा रहे थे, बात क्या है? हुजूर ने फरमाया मैं आईना हूं, हुजूर ने फरमाया मैं आईना हूं। वो जो बुराई बयान कर रहा था बोले मैं आईना हूं, उन्हें अपने आप को मुझ में देख रहा था, बोले लिहाजा बुराई बयान कर रहा था और मैं आईना हूं, इन्होंने तारीफ बयान की तो इन्होंने मुझ अपने आप को मुझ में देखा तो इन्होंने अपनी सिफात बयान की। वो तो जो जैसा होता है वैसा बयान करता है, किसी के बारे में अच्छाई बोलना अच्छे होने की अलामत है, अच्छे होने की अलामत है, अच्छाई भी वही बोलता है जो अच्छा होता है। आई बात समझ में? नहीं आई? हाँ पूरी आ गई, हाँ सुभान अल्लाह, शुरू से आखिर तक पूरा समझ गए, हाँ तो अब आगे बढ़ेंगे सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाएं, अल्लाह अल्लाह क्या नबी की उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया। देखो हुजूर ताजदार करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक तशरीफ नहीं लाए थे तो कमो बेश 124,000 पैगंबर दुनिया में आ चुके थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर पैगंबर को क्या दिया, किसी को एक मौजज़ा, किसी को दो मौजज़े, किसी को छः मौजज़े, किसी को आठ मौजज़े। अल्लाह ने सबसे ज़्यादा जिस नबी को मौजज़ा दिया था उस नबी का नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में रब ने इरशाद फरमाया कि हमने मूसा को 9 मौजज़े अता किए थे। कितने? जरा जोर से बोले, 9 मौजज़े। हजरत मूसा को 9 मौजज़े मिले, इससे ज्यादा किसी पैगंबर को नहीं मिले। अब आई बारी आमिना के लाल की।
अब आई बारी फातिमतु जहरा के बाबा की, अब आई बारी हसनैन के नाना की। जब आपकी और मेरे आखा दुनिया में तशरीफ लाते हैं, अल्लाह अल्लाह हुजूर तशरीफ लाते हैं, तो अब अल्लाह ने हर पैगंबर को 2, 4, 6, 8 हद हो गई 9 मोजेजे देकर भेजा था, लेकिन अब हुजूर आए तो रब ने हुजूर को 9 मोजेजे नहीं दिया है, 90 मोजेजे नहीं दिया है, 80 या 100 मोजेजे नहीं दिया, बल्कि कहा प्यारे मुस्तफा वो भी पैगंबर जरूर है मगर उनकी बात अलग है, तुम्हारा मामला अलग है। मेरे मुस्तफा वो जाते हैं तो 6, 8, 9 मोजेजे लेकर, मगर मेरे मुस्तफा आप जाओगे तो 9 या 90 मोजेजे लेकर नहीं, 80 या 100 मोजेजे लेकर नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा आपकी हर अदा को आपका रब मोजेजा बना देता है, मोजेजा बना देता है। हाँ, मेरे आका मेरे महबूब आपकी हर अदा को मोजेजा बना दिया जाता है। मेरे प्यारे आप उंगली हला दो, उंगली का हलाना मोजेजा, आप हाथ उठा दो, आपका हाथ उठाना मोजेजा, आप इशारा करके बुला दो, आपका बुलाना मोजेजा, आप कंकरी से पूछ लो, आपका पूछना मोजेजा। मेरे मुस्तफा वालिदैन की खबरों पर जाओ, उनको उठाकर कलमा पढ़ा दो फिर लिटा दो, ये भी मोजेजा। मेरे मुस्तफा आप मेरे महबूब है, आपकी ये शान है, आपको पसीना भी निकले तो पसीना भी मौजेजा। मेरे हबीब आप पेशाब फरमा दे मुझे मेरे रब होने की कसम, आपका पेशाब करना भी मौजेजा, आपका इजाबत खाना जाना भी मौजेजा। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा आपका सोना भी मौजेजा, आपकी नमाज भी मौजेजा, आपकी तिलावत भी मौजेजा, आपका जागना भी मौजेजा, आपका आना भी मौजेजा, आपका बैठना भी मौजेजा, आपका चलना भी मौजेजा। हुजूर की हर अदा को अल्लाह ने मौजेजा बना दिया है। अब मैं हयात तय्यबा का वो पहलू बयान करता हूं जिसे सुनने के बाद वहाबी भी सुन्नी बनने पे मजबूर हो जाएगा। पट्ठा नबी को समझा ही नहीं, समझता तो कभी वहाबी बनता ही नहीं। बात समझ आ रही? खिस्सा यही छे, इन्हें एल्लैया क्या कर रहा, मल्लैया की सोबत में बैठा, इसलिए एल्लैया मल्लैया बना मगर आलिम ने बना। बात समझ आ रही? आप पूछे क्या मौलाना ऐसा कैसा बोलते आप, कल सुबह देखो खटका मारने वाला कौन, तरकारी बेचने वाला, खटका मारे तो आया कौन, ऑटो चलाने वाला, मस्जिद में किताब पढ़ के सुनाया कौन, होटल के काउंटर पे बैठने वाला, अमीर बनाया अमीर बना कौन, पंचर जोड़ने वाला। अब पूरे जाहेला मिलके दुकान खोलने के बैठेंगे तो एल्लैया मल्लैया ने बना तो और क्या होता। बात समझ में? आलिम ने बनता, आलिम बनने के लिए उलमा की सोहबत में बैठना पड़ता, आलिम बनने के लिए अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना पड़ता, आलिम बनने के लिए इल्म वालों की बारगाह में जानुए अदब तय करना पड़ता। नहीं, एक मरतबा क्या हुआ, मैं एक मस्जिद में गया असर की नमाज पढ़ने के लिए, नमाज का वक्त हो गया था, तो असर की नमाज पढ़ने के लिए गया, बेचारा शरीफ आदमी, मैं कोने में ठहर के अकेला नमाज पढ़ ले रहा हूं, बाजू दर्स चल रहा, बाजू वालों का मालूम ना, बाजू वाले बोले तो इन लोगों को नक्को देखो तुम लोग। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो बाजू वालों का दर्श चल रहा था, दर्श चल रहे तो उसके अंदर एक हदीस पढ़ रहा हूं किताब में देख के, क्या हदीस पढ़ रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सेहतमंद लड़की से निकाह करो। बात समझ में आई? किससे निकाह करो, जोर से बोलो जी, सेहतमंद बोले तो खा के पी के हट्टी कट्टी रही सोने, जिसको ग्लूकोस नहीं चढ़ता, जिसको इंजेक्शनों की जरूरत नहीं आती, जिसको फर्स्ट मंथ से हॉस्पिटल ले जाना नहीं पड़ता, उसको बोलते सेहतमंद। अगर ऐसा बोले तो सिर्फ 5% बच्चियां उठते, 95% घर में बैठते, शादी नहीं करना उनकी मरे तक।
क्यों बोले तो हमारे बच्चियां बास तो ऐसे भी हैं जिस दिन दुल्हन बलते उस दिन पहले ग्लूकोज चढ़ा लेते, रात में जाके घूंघट पहनते। इतने कमजोर है आज के जमाने के बच्चियां, खाते नहीं, खाए तो अंकुर लगता नहीं। बात समझ आ रही? तो मैं हदीस नमाज पढ़ते पढ़ते सुना, ऐसा बोल रहा अंदर घुसरी पूरी। अरे बाप रे बाप, अभी ने क्या समझाऊंगा, हदीस नमाज कंप्लीट करा मैं भी जाके बैठ गया। मैं बोला अब भी आप हदीस पढ़े, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए सेहतमंद लड़की से निकाह करो। बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी हदीस है, सुभान अल्लाह। मैं बोला अब लड़की सेहतमंद नहीं है तो निकाह नहीं करना। उसके घर में बेटी बैठी हुई है सुक्की मुक्की, हदीस पलटी तो घर को नहीं जा सकता उन्होंने, मगर पढ़ के तो सुना दिया। अब मैं पूछा तो कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं परेशान होकर बोला मियां आप मौलाना है? मैं मौलाना नहीं हूं, मैं हाफिज साहब हूं क्या? क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूं। अरे बेवकूफ, तो ऑटो चलाता तो गेरा दाल मीटर फिरा या मस्जिद में किताबा कहीं को फिरा रहा रे होले। बात सही है गलत है? जरा जोर से बोलो भाई, सही है गलत है? अरे हदीस उन्हें पढ़ना जिसको हदीस समझ में आती, हौले हैले हदीस नाम रख लेने से हदीस समझ में आ जाती। अहले हदीस नाम रख लेना अलग बात है, हदीस समझना अलग बात है। नहीं, अहले हदीस ऑटो, वेल्डर, तरकारी मास्टर, रिक्शा ड्राइवर, अल्लो अहले हदीस कहते, हौले अहले हदीस की दुमने मालूम तेरे को। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हदीस पढ़ना अलग बात है, हदीस समझना अलग बात है। पढ़ लिया, सुना दिया, टेंशन में डाल दिया। अरे मलाम मियां, उसका मतलब क्या है? सेहतमंद लड़की से करना बोले तो, अब जितों को ग्लूकोज चढ़ रहा नहीं करना, जितने दुबले पतले हैं उनसे शादी नहीं करना, जितने दवाखानों में शरीक होते रहते हर 8 दिन को 15 दिन को बीपी चेक कराते उनसे शादी नहीं करना, फाख्ते हो गए। बोला पहले खसम खा, आइंदा किताब में पढ़ेगा तू। मैं बोला देख मियां, सेहतमंद लड़की का मतलब ये नहीं है कि जो है हट्टी कट्टी मोटी ताजी तमिलनाडु की सबसे जबरदस्त बच्ची, ये मतलब नहीं है। हट्टी सेहतमंद का मतलब ऐसी औरत जो ज्यादा बच्चे दे सकती है, ये है सेहतमंद का मतलब। ऐसी औरत जो मां बन सकती है, एक बच्चे की भी मां बन गई तो सेहतमंद है उन्हें, दो बच्चों की मां बन गई तो सेहतमंद है उन्हें, चार बच्चे भी उससे अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की उम्मत में इजाफा हो गए, सेहतमंद है उन्हें। गैर सेहतमंद बोले तो ऐसी जबरदस्त है माशाल्लाह, मगर औलाद नहीं भी बोले सेहतमंद नहीं है उन्हें। सेहतमंदी से मुराद यहां पे चमड़ी नहीं है, सेहतमंदी से मुराद मां बनने की फजीलत है। पट्ठों को मालूम इतने पढ़ दे रहे सुना दे रहे, क्या बोले ऐसा चल रहा है? अल्लाह के वास्ते ये चक्करों में फंस के अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, करेंगे? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो अल्लाह ने क्या किया, हुजूर को, हुजूर की हर अदा को मुजजा बना दिया, हुजूर की हर अदा को। अब अल्लाह अल्लाह होकर नबी को इतनी बड़ी शान दे दे तो बंदे को मानने में टेंशन क्या है? समझने की बात है ना भाई? जब अच्छा मौजजा मौजजा अल्लामा खुशतर रब्बानी साहब नहीं दिए, हमारे अब्बा नहीं दिए, सो अल्लाह दिए सो है। नबी को मौजजा खोल दिए, नबी की उंगली में ये कमाल खुदा ने पैदा किया, हबीब तू इशारा तो कर, मेरे मुस्तफा तू अंगुष्ठे मुबारिका को हला तो दे, चांद के 2 टुकड़े करने की जिम्मेदारी मेरी है। बात समझ में आ रही है आप? मेरे हबीब, मेरी खुदरत ने तो सूरज को डुबा दिया, तू हाथ उठा दे मैं सूरज को पलटा देता हूं। हबीब तू हाथ उठा तो दे, अब देखता हूं सूरज की क्या मजाल है। आए, आए, आए। मेरा हबीब हाथ उठा दे और पलट करना है,
हबीब तू हाथ तो उठा। हबीब ने हाथ उठाए, सूरज पलट के आ गया। अल्लाह अल्लाह होकर, पॉइंट टू बी नोटेड, सूरज को जमात वाले ने पलटाए। अल्लाह अल्लाह होकर हबीबे खुदा की खातिर, अपने महबूब की खातिर अपनी खुदरत पलट रहा है। और अल्लाह कुरान पाक में कहता है वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीका, अल्लाह की खुदरत हरगिज बदली नहीं जाती। अल्लाह कह रहा है मैं अपनी खुदरत नहीं बदलता, मगर जब बात मुस्तफा की आती है तो खुदरत बदल दी जाती है, तरीका पलट दिया जाता है, सुन्नत तब्दील हो जाती है। मुस्तफा ये मेरी खुदरत है। सूरज सुबह निकलेगा, रात में डूबेगा, चांद रात में आएगा, सुबह छुप जाएगा, मगर तू इशारा कर मैं चांद को तोड़ दूंगा, तू इशारा कर मैं डूबे सूरज को पलटा दूंगा। अल्लाह अल्लाह होकर जिसकी खातिर अपनी खुदरत बदल दे और गुलाम होकर मीलाद मना ले तो टेंशन की क्या बात है जी। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब खुदा खुदा होकर खुदरत बदल ले, बंदा होके नाथ पढ़ ले तो टेंशन की क्या बात है भाई। सुभान अल्लाह। नहीं, खुदा खुदा होकर उसके बनाए हुए चांद को अब बनाया, आदम को बाद में बनाया, चांद को पहले बनाया, आदम को बाद में बनाया, चांद को पहले बनाया, बात हबीब पी के आई तो तोड़ के फेंक दिया। बात हबीब की आई तो बोले मेरे मुस्तफा तेरे ऊपर से कुर्बान है ये। हबीब तू इशारा तो कर, एक को मशरिक में डाल दो, दूसरे को मगरिब में डाल दो। अरे खुदा खुदा होकर अपनी खुदरत को जिसने अपने लिए बनाया है, अपने इजहार के लिए बनाया है, अपने हबीब के लिए तोड़ दिया। हम लोग रात में जग के मीलाद पढ़ ले तो शिर्क हो जाता। अबा वा 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 वा। क्या है रे पट्टे। हौले तू नबी को समझाई च नहीं। नहीं, अगर तू नबी को समझ गया ना, हम लोग तो भी कंजूस लोग हैं, साल में एक जुलूस निकाल रहे, तू रोजाना निकालता। हम लोग कंजूस लोग आए जो साल में एक बहुत जलसा करते, तू बेटा रोजाना करता, तू समझा तो नबी को। नबी नबी है मेरे भाई। ओए हाय हाय, हजरत सालेह अलैहि सलाम, कौन? हजरत सालेह अलैहि सलाम, हजरत इलियास अलैहि सलाम, ये दो पैगंबरों का एक ही अकीदा था, इसलिए एक ही हवाले से सुना देता हूं। इलियास अलैहि सलाम एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे थे तो आप पर नाजिल होने वाले सहीफों में यह बात लिखी हुई थी कि आखिर जमाने में एक पैगंबर आएंगे और वो पैगंबर की शान ये होगी, वो जिधर से गुजरेंगे बस खुशबुएं ही खुशबुएं महकेंगी। हाय हाय हाय, खुशबुएं ही खुशबुएं महकेंगी। और वो नबी की ये शान होगी, वो चलेंगे तो अबर उन पर साया किया हुआ होगा। वो नबी की ये शान होगी कि वो तेज रफ्तारी के साथ चलेंगे। सिफाते मुस्तफा सहीफ इलियास में लिखा हुआ है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक शख्स था जो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर से वो माजूर था
और वो एक जो है लकड़ी की बंडी पर बैठकर अपने जिस्म को बड़ी मुसीबत से ढकेलता था। तो वो शख्स जो है ये किताब पढ़ा हुआ था सहीफ़ इलियास, तो उसने ये बात पढ़ ली थी कि आखिरी जमाने में पैगंबर आएंगे उनकी ये शान होगी। तो इत्तेफाक से वो रास्ते से गुजर रहा था, खुशबुएं आने लगी, खुशबुएं आने लगी। तो बड़ा परेशान बोला, खुशबुओं का जिक्र तो मैं उनके बारे में पढ़ा था, यहां से ऐसे खुशबू आ रही। देखा तो क्या एक बुजुर्ग तेज रफ्तारी के साथ चल रहे हैं और देखता क्या है कि उनके ऊपर छांव भी है। तो चिल्ला उठा, या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा। इलियास अलैहि सलाम जैसे ही सुने कि कोई शख्स मोहम्मद का नाम लेकर पुकार रहा है, दौड़े दौड़े भागे भागे उसके पास आए, देखे तो बड़ा माजूर है। और हजरत इलियास ने उससे पूछा, तुमने किसको पुकारा? कहा, मैंने आपको पुकारा। तो कहा, तूने मुझे मोहम्मद के नाम से पुकारा? कहा, हाँ हाँ, मैंने आपको मोहम्मद के नाम से पुकारा। कहा, क्यों? कहा, मैंने एक सहीफे में पढ़ा है कि आखिर जमाने में एक नबी होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनकी ये शान होगी, वो चलेंगे तो रास्ते से खुशबू आएंगी, छाऊं अबर उनके ऊपर साया किया हुआ होगा और वो तेज रफ्तारी से चलेंगे। मैंने देखा तो ये सिफात तुम में मौजूद पाई, तो इसलिए मैंने समझा कि तुम ही मोहम्मद हो, इसलिए पुकारा। तो कहा, सुन सुन, मैं मोहम्मद नहीं हूं, मैं मोहम्मद नहीं हूं, काश के मेरा रब मुझे इलियास पैगंबर बनाने के बजाय मोहम्मद की घोड़े की नाल बनाकर पैदा कर देता। तो फखर की बात, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह मुझे पैगंबर बनाने के बजाय उनके घोड़े की नाल बनाकर पैदा कर देता तो बड़े फखर की बात थी। अल्लाह अल्लाह, ये है शान मुस्तफ़ा। अब लोगों को जब हम ये अजमत मुस्तफ़ा बताए तो इन लोग क्या बोलते हैं, नए नए मौलाना, सब सही है, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के अलावा किसी को भी शरीक नहीं करना, लोग अम्मत। मैं बोला अम्मी के पैरा पढ़ना, हाँ अम्मी के पैरा मारना, अब्बा को पैरा मारना, अम्मी के पैरा पढ़ना, अब्बा के पढ़े तो अम्मी की इज्जत कम हो जाती क्या? जोर से बोलो। अच्छा, अब्बा के पैरा पढ़े, अम्मी को लाइट ले लिए तो अम्मी पूछे, क्या रे पोटे खाली बाबा के पढ़ता, अम्मा की इज्जत नहीं? अब्बा के पढ़ाना, अब्बा के पढ़ा, खाली अब्बा को मानता हूं मैं, अम्मी को नहीं मानता। अब्बा खींच के दिए, देखे बोले, बेटे तुम अब्बा से नहीं आए, अब्बा अम्मी से आए। बात समझ में आई? अब्बा को मानने से अम्मी की इज्जत कम नहीं होती, अम्मी को मानने से अब्बा की इज्जत कम नहीं होती, दोनों को मारे तो माने तो इसकी इज्जत बढ़ जाती। ये दीवाना ऐसी छे, क्या बात है। रसूल अल्लाह को माने तो बोलता अल्लाह को नहीं मान रहे, अरे हौला होगा क्या, अल्लाह अल्लाह है, ये रसूल अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है और ये रसूल अल्लाह है। रसूल अल्लाह को रसूल अल्लाह बोले तो अल्लाह नाराज नहीं होता, बल्कि अल्लाह खुश होता, अल्लाह खुश होता, अल्लाह खुश होता। अल्लाह को अल्लाह बोले तो रसूल अल्लाह खुश होते, रसूल अल्लाह को रसूल अल्लाह बोले तो अल्लाह खुश होता। अल्लाह की अजमत बयान करने से नबी की बेअदबी नहीं होती, और नबी की अजमत बयान करने से अल्लाह की बेअदबी नहीं होती। अल्लाह की इबादत में अल्लाह की तारीफ कर, जलसे में बैठा तो नबी की तारीफ कर। बात समझ आई? नमाज में खड़े होके या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अल्लाहु अकबर।
नमाज में खड़के कोई भी सलाम नहीं पढ़ता। नया एक फार्मूला आया तमिलनाडु में, नमाज में खड़के कोई भी सलाम। नमाज में खड़े तो नमाज अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के सामने ठहरा तो बोल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू सलाम तो फेर, उससे पहले तेरा नाम जन्नत के दरवाजे पे लिख देता हूं। नमाज में खड़ो तो अल्लाह की तारीफ करो, जलसे में बैठे तो नबी की तारीफ करो। नमाज पढ़ने से अल्लाह उसका रसूल खुश, या तारीफ करने से अल्लाह उसका रसूल, या तारीफ करे तो नबी अल्लाह के बराबर। मेरे जैसे 56,000 करोड़ मौलाना सुबह खयामत तक भी तारीफ मुस्तफा करते रहे तो भी खुदा की कसम नबी हुजूर के बराबर, हुजूर अल्लाह के बराबर, और हुजूर की तारीफ भी अदा नहीं होती पूरी। ये भी सुन लो, हुजूर अल्लाह के बराबर भी नहीं होते और हुजूर की तारीफ भी मुकम्मल नहीं होती। हुजूर ऐसी शान के मालिक है, सुभान अल्लाह, हुजूर की तारीफ करने से हुजूर अल्लाह के बराबर नहीं होते। बात समझ आई? मैं हमारे एमएलए साहब को बुलाया, बिठा के फूला पिना, प्राइम मिनिस्टर के बराबर कर दिया आप। हौला होगा क्या रे, फूल पहनते कि प्राइम मिनिस्टर बन जाते। ये कब होता मालूम? जाहिला पूरे मिलके एक जगह बैठ गए तो ऐसे अकीदे निकलते। आलिमों की सोहबत में बैठे तो ऐसे अकीदे नहीं बनते। नहीं, मैं और 4 घंटे भी तकरीर कर लिया तो अल्लामा खुशतर रब्बानी नहीं बनता हूं। बात समझ में आई? मैं कुछ भी बन सकता हूं, मैं अल्लामा बन सकता हूं, मौलाना बन सकता हूं, मुफ्ती साहब बन सकता हूं, खाजी साहब बन सकता हूं, पूरी दुनिया के अंदर तकरीर कर सकता हूं, मगर सैयद ज्यादा कहां से बन सकता हूं जी? बात समझ में आई? कुछ भी बन सकता हूं मगर सैयद ज्यादा, आज मैं यहीं नहीं बन सकता हूं तो वहां कैसा बन सकता हूं? तो बात समझ में आई? हुजूर की बारगाह में जाके कुलाटियां मारो, कुलाटियां तो भी खुदा की कसम हुजूर अल्लाह के बराबर नहीं होते। हुजूर हुजूर है, हुजूर एक उखद चांद के टुकड़े करे, 160 उखद करे भी तो हुजूर हुजूर ही है, हुजूर अल्लाह नहीं बन सकते। बात समझ में आई मेरे भाई? हुजूर अल्लाह नहीं बन सकते, अल्लाह अल्लाह है, हुजूर हुजूर है। मगर इन लोगों का क्या करे, डरा दिए पब्लिक को, दहशत कंफ्यूज करके छोड़ दिया। हाई ले या रसूल अल्लाह बोलते कि हुजूर अल्लाह के बराबर हो जाती क्या हैवत में डाल दिया। किसको डाला? वो जो किसी का मुरीद नहीं है, वो जो वलियों के दरबार में बैठने वाला नहीं है, वो जो जुमा के दिन 2 रकत पढ़ने के वास्ते आता, मौलाना का बयान ही नहीं सुनता, वो जो 2 रकत पढ़ते कि भाग जाता सलाम में नहीं ठहरता, उसको कंफ्यूजन में डाल छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह बोलते ही हुजूर अल्लाह के बराबर हो जाते लोग, अम्मत अम्मी बोलते ही अम्मी अब्बा के हो जाते। क्या बात है, क्या बात है, अम्मी बोलते ही अम्मी अब्बा बन जाते। 600 वक्त भी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान बोल के पैर सर लग जाके अम्मी के तलवों में भी रगड़े तो अम्मी अम्मी रहते, अब्बा नहीं बनते। समा में बैठ के 600 खवाल मिलके ढोल बजा के मेरे मुस्तफा की तारीफ करे तो नबी नबी रहते, खुदा नहीं बनते। नबी नबी रहते, नबी खुदा। बस याद रखो, हमारे पास शिर्क सिर्फ 3 चीजों का नाम है। कितने? जरा जोर से बोलो। 1, नबी को खुदा बोलना शिर्क है। नबी को खुदा के जैसा बोलना, नबी को खुदा के बराबर बोलना, बस ये 3 चीजें मत बोलो। उसके बाद तुम्हारी अखल में जितने जुमले हैं उतने पूरे बोलो, मेरा नबी उसका हकदार है। इसीलिए अल्लामा इकबाल देखिए, वाह सुभान अल्लाह, मैं बोल रहा था हजरत क़िबला जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये है देखिए आप सादात इकरा।
इसीलिए अल्लामा इकबाल क्या करें, बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। और अल्लाह ने इतनी बड़ी शान का मालिक बनाया तो अब हम लोग मान ले तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अल्लाह अल्लाह है। अब यहां पे इतने बैठे हुए हैं माशाल्लाह 1000 आदमी बैठे हुए होंगे और मैं तो जो है 25-25 हजार 50-50 हजार के मजमुओं से खिताब करके पूछा, मैं बोला कौन है भाई जो गौसे पाक को खुदा समझता हाथ उठाओ, एक आदमी भी नहीं उठाया, जबकि पूरे 11वीं खा खा के बड़े हुए सोए। अरे मैं तो चैलेंज करा जी, खुदा की कसम वहाबियत ये चैलेंज से परेशान है, कहां से तो बिलाया रहे बड़े भाई ने, नया इच निकाला फतवा बोले। मैं तो बोला देवबंद के सामने, यहां से वहां से क्या लेते जी, देवबंद के सामने बैठ के पाकिट मारता नहीं, उसको पकड़ के लाओ, लाके 2 बॉटल एक्स्ट्रा पिलाओ, पिला के उसको दरगाह को लेके आओ, लेके आके दरगाह के सामने खड़ा करके ढुल के जब गिरते रहता नहीं तब पूछो ये जो मजार में है कौन है। तो उन्हें जो 2 बॉटल एक्स्ट्रा मारा, अब जो गिरने वाला है उन्हें भी खुदा है नहीं बोलता, उन्हें भी खुदा है नहीं बोलता, खुदा के जैसे है नहीं बोलता, उन्हें भी बोलता अल्लाह के वली है बोलता। अल्लाह बोलना शिर्क है, अल्लाह का वली बोलना सुन्नत है। अल्लाह बोलना और अल्लाह का वली बोलना कुरान है, सुन्नत है, कुरान है, दीन है, यही चीज इस्लाम है। बात समझ आई, पूरी कायनात में कोई भी हुजूर को अल्लाह नहीं बोला, रसूल अल्लाह बोला, और रसूल अल्लाह बोलना शिर्क नहीं है। ये घामड़ यही शिकायत छोड़ दिया, रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह बोलते शिर्क, क्या गोली डाला पट्टे, वाह 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 वाह। बात समझ आई, थोड़े दिन के बाद बोलेंगे बेगम बोलना शिर्क है, लोग अम्मत घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये दीवानों के चक्कर में मत जाओ, जाएंगे पक्का बोलो, मेरे को हमेशा डर पीछे वालों से रहता, क्योंकि उन लगा फेसबुक व्हाट्सएप देख के आईसो रहते, देख के जाएंगे 10 मिनट बोलते पूरा सुन के जाते, मगर कहां भटक जाते कि बोलकर डर रहता, पीछे वाले जाते तो नहीं ना वाह। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक मसला आप बहुत आसानी से समझा देता हूं, बात बहुत बड़ी है लेकिन इंशाल्लाह मिनटों में समझ में आ जाएगी। देखो हम लोगों को हुजूर मिले तो हम लोग किसी को हुजूर बनाए नहीं, हम लोग बनाए उन्हें बना के भेजा सो है नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान है कुरान, अल्लाह कह रहा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह कह रहा है ये मैं भेजा सो मेरा रसूल है, ये अल्लाह कह रहा है ये मेरा रसूल है, ए बंदो खबरदार ये मेरा है, आए है। सुभान अल्लाह ये मेरा है। इसीलिए हम लोग भी हुजूर को हमारा नबी हमारा नबी हमारा नबी बोलते नहीं, ये हम लोग अल्लाह से सीखे सोए, और इन्हें बाजू वाला क्या बोलता अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद ने कहा लड्डू जनाबे मोहम्मद बोलता, अब्बा को जाके घर में अब्दुल जलील साहब दरवाजा खोलो बोलता, बोलो ना जी घर में जाके अब्बा जान दरवाजा खोलो बोलता नहीं, अब्दुल जलील साहब दरवाजा खोलो नहीं, ऐसा बोलता क्या अब्दुल गफूर साहब के बेटे जरा दरवाजा खोलो। अरे बेवकूफ, जब तू अपने बाप का नाम लेकर नहीं पुकार सकता तो सारी कायनात के बाप का नाम लेकर कैसे पुकार सकता है। जनाब मोहम्मद ने कहा और क्या बोलता अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल है, अल्लाह बोल लिया तेरे क्या है तू बोल। इसीलिए हमारे बुजुर्ग क्या बोले,
सबसे आला वो आला हमारा नबी। हाय 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 हाय, हमारा नबी, हमारा आका, गुनाहगारों का आका, बेकसों का कस, बेबसों का बस, यतीमों का माली, और हमको बख्शा कर जन्नत में ले जाने वाला शाफ़े महशर, हमारा नबी, मेरा नबी या रसूल अल्लाह। ये हम बोले, अल्लाह बोल लिया मेरा रसूल है वो। ए जमीन वालों खबरदार, वो मेरा है, वो मेरा है। अब हम बोलना, अल्लाह जो तेरा है वो हमारा है, तो अल्लाह बोला चलो फिर बराबर आओ जन्नत में आओ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले समझो। मसले समझने का नाम है हुल्लड़बाजी करने का नाम दिन नहीं है, जज्बात में आने का नाम दिन नहीं। मैं अहले हदीस हूं, बोला क्या करता, सब तक नीचे थे सबको ऊपर लाता हूं बोल रहा। अरे बोला ऐसा क्यों करता, नहीं मैं दीन बदलो पार्टी का मेंबर हूं। कौन सी पार्टी का? दीन बदलो पार्टी का मेंबर, बीजेपी के मेंबर से खतरनाक है। क्या करता, बोले सब तक नीचे थे सबको ऊपर लाता हूं बोल रहा। मैं बोला और क्या करता, सब एक मर्तबा हला के छोड़, 56 मर्तबा हलाने लगाता हूं। अब तक 1400 साल से औरता घर में थे, पूरे औरतों को नमाज के नाम पे घर से निकालता हूं, मस्जिद को लाता हूं बोल रहा। और क्या बोल रहा मालूम, खतरनाक। अब तक सब 20 रकत पड़े 1400 साल से, सबको कम करके 8 पे लाता हूं बोल रहा तरावी में। कितने पे? जो ज्यादा है उसको कम करता हूं बोल रहा, जो ज्यादा है उसको, और जो कम है उसको ज्यादा करता। कहते बोले वो क्या कम है रे जो तू ज्यादा करता, बोले 1400 साल से सब एक मुट्ठी छोड़े। तू क्या कर रहा, 11 मुट्ठी छोड़ दो बोल रहा। बात समझ में आई? ये पाठों के पीछे नक्को जावा, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हमारे को, हमारे वालिद साहब किसी को हुजूर नहीं बनाए, हमारे उलमा किसी को हुजूर नहीं बनाए, हमारे पूरे जो है औलिया अल्लाह बुजुर्गान सालेहीन मुत्तकी परहेजगार मिलके किसी को हुजूर नहीं बनाए। हुजूर जो है उनको अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया है। अल्लाह भेजा सो है, कौन भेजा? अल्लाह भेजा। अब एक बात सुन लो, अल्लाह भेजा इसलिए हम लोग उनको मानते हैं। अब इन्हें नहीं मानता बाजू वाला, हाँ। मगर बाजू वाला पट्टा बड़ा खतरनाक है। नहीं, नबी को मोजेजे देखा, नबी को नहीं मानता कहते। नबी की अंगुष्ठे मुबारिका से चांद के दो टुकड़े होते हुए देखा, मैं नबी को नहीं मानता बोल रहा। हमारे जैसे है जी, कहीं को मानना उनको, ऐसा बोल रहा। मगर काबे को गया तो काबे के गोल 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 फिर रहा। हाँ, मैं बोला हौले जाते मुकद्दस को नहीं मानता, पत्थर के गोल फिर रहा, पत्थर के गोल फिर रहा। तो क्या नहीं, काबतुल्ला। ओहो, आया रस्ते पे पट्टा, बोला क्या है काबतुल्ला? क्या मतलब रे, अल्लाह का घर? अरे हौले, अल्लाह के घर की जब इतनी इज्जत है तो फिर अल्लाह के नबी की इज्जत कितनी होना चाहिए। इसलिए इन्हें काबे के घोल फिरता आशिका इश्के मुस्तफा में गोल फिरते। नहीं, चिश्तियों की महफिल में बैठे तो मालूम होता गोल कहीं को फिरता। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ने काबे के गोल फिरता, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी फिरते हैं, कहीं इन्हें फिरता बोले तुम जब हम लोग नहीं फिरते, इन्हें तो भी कब तो भी एक वक्त फिरता, आशिका तो हर बार फिरते रहते हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्त, काबे की इज्जत कर रहा देखो आप पत्थर।